हेलो बच्चों सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और जैसे जैसे नीट 2023 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी <coughs> तो बच्चों आपका जो एन पेज बाय पेज सीरीज़ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आपको मालूम होगा इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग एन के हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर के हर एक पेज से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं क्या क्या सवाल बन सकता है वो उसकी बात हम करते हैं तो इस सीरीज के माध्यम से हम लोग ट्वेल्थ के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ के काफी चैप्टर्स भी हमने पढ़ लिए हैं और उसी में आज हमारे पास जो जीव और समष्टि है यानी ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन का आखिरी पार्ट हम लेकर आए हैं शुरुआत के कुछ पार्ट्स में हमने इसके शुरुआती पॉइंट्स देखे थे तो आज ये वाला जो चैप्टर है जीव और समष्टि का वो हम कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है बिल्कुल बेटा क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है और क्रैश कोर्स उत्कर्ष ऐप में चालू हुआ है तो उत्कर्ष ऐप आप में आपको वो लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिल जाएगा जिन्होंने क्रैश कोर्स किया है बच्चों ठीक है वन शॉट मैंने आपसे बिल्कुल कहा था और इस इसमें मैं मान भी रहे हैं बच्चों जैसे ही बिल्कुल बहुत जल्दी और इनफैक्ट मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि हम लोग अगले हफ्ते से जो बायोलॉजी का वन शॉट है और मैंने ऐसे कहा था जो इलेवेंथ वाले जो चैप्टर्स हैं उनका जो वन शॉट है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वन शॉट वीडियो भी जरूर आएंगे ठीक है तो लास्ट के वैसे भी जब आपके पास लास्ट के चालीस दिन मिलेंगे तो उसमें बढ़िया आपके पास जो टॉपिक्स तैयार करने में वो भी हम कर लेंगे ठीक है भाई तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट थ्री है और जो टॉपिक में बाकी चीजें रह गई थी वो आज हम पूरा कर लेंगे ठीक है बच्चों चलिए तो लास्ट में हम लोगों ने समष्टि की हम बात कर रहे थे बच्चों समष्टि की यानी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे और आज हमारे पास सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन या समष्टि में वृद्धि मॉडल की जिसे हम क्या कहते हैं ग्रोथ मॉडल्स तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं भाई हम बात करने वाले हैं वृद्धि मॉडल्स की या पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स की इस पे भी मान के चलिए बच्चों इस पे भी प्रश्न जरूर बनेगा मैंने आपसे कहा था इकोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चार चैप्टर्स हैं दस से बारह सवाल जो हैं वो नीट में आपके पास इस चैप्टर से आने वाले हैं ठीक है बच्चों चलिए आ जाओ तो पहली चीज तो यह है कि आपको पॉपुलेशन वृद्धि मॉडल में दो मॉडल्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से मॉडल्स हैं बच्चों एक तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल वृद्धि मॉडल जिसको हम चर घातांकी कहते हैं एक तो चर घातांकी वृद्धि मॉडल है और दूसरा हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है तो दो वृद्धि मॉडल दो ग्रोथ मॉडल जो हैं, वो हमारे पास पॉपुलेशन में हैं। और दो ग्रोथ मॉडल कौन कौन से हैं भाई दो ग्रो, ग्रोथ मॉडल हैं चर यानी एक्सपोनेंशियल और दूसरा हमारे पास लॉजिस्टिक ठीक है अरे आरपी राजस्थानी जी देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नीट के एग्जाम तक हम लोग वन शॉट वाला सिस्टम मैंने आपसे कहा था ना तो इलेवेंथ के टॉपिक्स भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे और एक दिन में हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वन शॉट है लेकिन एक चीज याद रखिएगा बच्चों मेहनत में कमी मत छोड़िएगा रिवीजन बढ़िया तरीके से करते रहिएगा जो जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं उसे बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा और आने वाले दिनों में भी और चैप्टर्स हम कर लेंगे इलेवेंथ के टॉपिक्स भी चालू हो जाएंगे तो वो भी आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना ठीक है अंकित बेटा इस पर अगर आप कोशिश करिए एक बार जो कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर होगा बेटा एक बार उस पर जरूर कॉल करके पूछिएगा वो आपको जरूर अपडेट कर देंगे उसमें रजनी जी ने कहा है सर आपने जो पढ़ाया था वही एग्जाम में आएगा अरे तो बिल्कुल बेटा वही आएगा बस आप मेहनत करते रहो रिवाइज बढ़िया तरीके से करते रहो और तैयारी बेहतर होती जाएगी ठीक है बच्चों तो एक एक पॉइंट अब ध्यान में रखना है सबसे पहले आ जाओ इसको चार्ट के फॉर्म से समझो आसान कर दो चीजों को तो सबसे पहला ग्रोथ मॉडल हमारे पास कौन सा है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है जिसको अपन ने अभी क्या हिंदी में नाम दिया भाई चर घातांकी यह हमारे पास ग्रोथ मॉडल और दूसरा वृद्धि मॉडल या दूसरा हमारे पास है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा लॉजिस्टिक अब दोनों में क्या क्या ध्यान रखना है दोनों में क्या क्या पॉइंट क्या क्या सवाल बन सकते हैं एक एक करके सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है यह चर घातांकी एक्सपोनेंशियल वृद्धि मॉडल कब करेगा ये वाला वृद्धि मॉडल कब देखा जाएगा ये वाला वृद्धि मॉडल तब देखा जाएगा जब संसाधन असीमित हों। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कब देखा जाता है बच्चों ये देखा तब जाएगा जब संसाधन असीमित हो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो अब रिसोर्सेस अनलिमिटेड का मतलब भोजन पानी आवास सब अनलिमिटेड हो तो आपको ध्यान में रखना है चर घातांकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एक समष्टि एक पॉपुलेशन कब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल दर्शाएगी वो तब दर्शाएगी जब संसाधन असीमित हो रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो अब आप सोचिए जब संसाधन असीमित है रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन की साइज तो बढ़ती रहेगी पॉपुलेशन की साइज बढ़ती रहेगी बिल्कुल तो ये ग्रोथ कर्व जो है या ग्राफ है वो कैसा होगा जे आकार का इसका शेप कैसा होगा बच्चों जे शेप ये टी टाइम ले लिया बच्चों मैंने और यहां पर एन पॉपुलेशन की साइज ले लो पॉपुलेशन की डेंसिटी मान लो तो पहली चीज गायत्री जी ने पूछा है सर पूरी इकोलॉजी हां बेटा इकोलॉजी के चारों चैप्टर्स है ना चारों चैप्टर्स हम इस एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज में चलेंगे -गरें करेंगे बिल्कुल सही बेटा अरे क्या बात है भाई तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है एक्सपोनेंशियल या चर घातांकी वृद्धि मॉडल कब काम करेगा यह काम करेगा जब संसाधन असीमित हो संसाधन असीमित है तो पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यानी किस आकार का देखा जाएगा जे शेप का इसका मतलब ये वास्तविक मॉडल नहीं है बच्चों क्योंकि वास्तविकता में रियलिस्टिक मॉडल नहीं है क्योंकि वास्तविक में तो संसाधन सीमित होते हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल मॉडल है काल्पनिक मॉडल है जो कब काम करेगा जब संसाधन असीमित होंगे फिर इसकी इक्वेशन याद रखनी है बच्चों इसकी इक्वेशन डी एन बाइ डी बराबर rn, ये आपको इसका इक्वेशन याद रखना है इसमें एन तो हमको पता है समष्टि घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है अब आर सुन लो बच्चों आर क्या होता है आर को हम कहते हैं इंट्रेंसिक या मैंने यहां पर कह दिया प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक रेट या अंग्रेजी में इसको मैं कह सकता हूं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और एक अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं बच्चों तो आप ध्यान रखने इसमें आर का मतलब है बी माइनस डी बी का मतलब जन्म दर हो गई बच्चों बर्थ रेट बी क्या है हमारे पास जन्म दर बर्थ रेट डी हमारे पास क्या है मृत्यु दर या डेथ रेट तो चार पॉइंट्स आपको पहले पहले याद रखना है पहला पॉइंट याद रखना है वृद्धि मॉडल ये वाला वृद्धि मॉडल कब काम करेगा तब कब काम करेगा जब संसाधन असीमित होंगे पहली चीज दूसरा इसका ग्रोथ कर्व ग्राफ कैसा होगा जे आकार का ग्राफ होगा तीसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है इसकी इक्वेशन क्या है तो डी एन बाई डी टी बराबर आर एन इसमें आर क्या है चौथी चीज आर जो है वो है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक रेट या हम कह सकते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और कैसे निकालोगे आर बराबर बी माइनस डी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट है क्लियर है भाई एनसीआरटी ने इसको एन टी बराबर एनओर टी भी कहते हैं इसमें एन टी का मतलब घनत्व या समष्टि का घनत्व टी समय पर शुरुआती घनत्व ई आर टी और ई हमको पता है बेस ऑफ लोगेथम होता है ठीक है बच्चों तो ये तो आपको ध्यान में रखना है और यह मॉडल आप याद रखना अस्थाई होता है यह मॉडल अस्थाई मॉडल है अनस्टेबल है क्योंकि इतनी तेजी से वृद्धि करेगा तो इसमें क्रैश होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी तो अब याद रखना बच्चों ये आकार का है संसाधन असीमित है और ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल की है अब आपको बात किसकी कर रहे हैं भाई हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल रियलिस्टिक मॉडल है पहला बिंदु क्या याद रखना है बच्चों ये रियलिस्टिक मॉडल है यानी ये वास्तविक मॉडल है और वास्तविक मॉडल है इसका मतलब ये मॉडल तब देखा जाता है जब संसाधन सीमित होते हैं ये कब देखा जाएगा भाई सीमित संसाधन होने पर लिमिटेड रिसोर्सेस सीमित संसाधनों में संसीमित संसाधन होने पर कौन सा वृद्धि मॉडल देखा जाएगा यह हमारे पास लॉजिस्टिक फिर आपको ध्यान में रखना है फिर नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि इसका ग्रोथ कर्व कैसा होगा अब इसमें आपके पास इसका ग्रोथ कर्व एस आकार का या सिग्मोइड होगा दूसरा बिंदु आप ध्यान रखना बच्चों एस आकार का या सिग्मोइड होगा ठीक है भाई आ, आदित्य जी ने बटे बहुत बढ़िया भाई एस आकार का है आशीष जी कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं बेटा आप नीट जेई की बात कर रहे हैं क्या बेटा तो आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल समझ आ गई भाई यह वृद्धि मॉडल वास्तविक ग्रोथ मॉडल है वास्तविक का मतलब है यह सीमित संसाधन होने पर मान्य होगा आकार का होगा अब सुनो अब पहली चीज इसमें याद क्या रखना है टी तो समय हो गया पॉपुलेशन इसमें एक नया पॉइंट आ गया है के के जिसे हम पोषण क्षमता या अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी के को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों कैरिंग कैपेसिटी या पोषण क्षमता अब इस पे ध्यान रखेंगे गायत्री जी मैंने शायद आपको बता दिया था बेटा जवाब इकोलॉजी पूरी होगी बेटा अभी पहला चैप्टर आज कंप्लीट होगा उसके बाद जो तीन चैप्टर है वो करवाए जाएंगे ठीक है बिल्कुल पप्पू जी रियल ग्रोथ मॉडल है ये तो वास्तविक या रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल है एस आकार का है एस शेप का है सिग्मोइड शेप का है अब के यानी क्या मतलब है बच्चों ये जो के या कैरिंग कैपेसिटी पोषण क्षमता का मतलब है कोई भी आवास है बच्चों कोई भी हैबिटेट है उस हैबिटेट में मान लो उदाहरण के तौर पे एक क्लासरूम है एक क्लासरूम में पचास बेंच है और पचास बेंच है और हर बेंच पे तीन बच्चे बैठ सकते हैं हर बेंच पे तीन बच्चे बैठ सकते हैं पचास बेंचे हैं तो उस रूम की कैपेसिटी कितनी है डेढ़ सौ बच्चों की डेढ़ सौ बच्चों की है वो उस रूम की कैरिंग कैपेसिटी हो गई इसका मतलब यहां पर भी वही है एक एक, जो एक आवास है एक हैबिटेट है वहां पर उतना भोजन है उतना पानी है जो एक डेढ़ सौ लोगों की या दो सौ लोगों को एक निश्चित नंबर को सपोर्ट कर सकता है उसको कहेंगे पोषण क्षमता तो जब तक वो पोषण क्षमता पूरी नहीं हो जाती तब तक तो पॉपुलेशन साइज बढ़ती रहेगी लेकिन पोषण क्षमता कैरिंग कैपेसिटी पूरी हो जाने के बाद फिर वो स्थाई हो जाती है फिर एनसीआरटी में लिखा हुआ है उसको ए सिमटोट मॉडल कहते हैं ठीक है तो आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों शुरुआत में यहां पर तो एक्सलरेशन हो रहा है यहां पर तेजी से वृद्धि हो रही है एक्सेलरेशन फिर यहां पर थोड़ा कम हो रहा है डेक्सलेशन और फिर आपके पास जब स्थाई हो जाती है तो उसे कहते हैं एसिम्टोट जब स्थाई हो जाती है बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं एसिम्टोट तो अब पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है भाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कब काम करेगा उसका आकार क्या होगा यह हमने देख लिया अब इसकी इक्वेशन इसकी इक्वेशन है वरहुल्स पल लॉजिस्टिक इक्वेशन और वो होती है बच्चों डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाय के ये नोट कर लेना मैं फिर बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे सवाल बनने की संभावना बहुत है अरे आशीष जी बेटा यही तो पूछ रहा हूं अगर आपने उत्कर्ष ऐप आप से तैयारी की है ना नीट जेई की तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना उसमें उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपने इस साल उत्कर्ष का कोर्स ले रखा था बढ़िया तरीके से मेहनत आपने की होगी बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो सारा का सारा सवाल जो है बायोलॉजी का वो अपने नोट्स और एनसीआर से ही आएगा ठीक है बेटा चलो अब आप यार बेसिकली कोशिश करो जब जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है रिवाइज कराया जा रहा है बेहतर होता कि आप एनसीईआरटी खोलकर बैठो उसमें चीजों को अंडरलाइन करो तैयारी बेहतर करो एक ही कमेंट को सौ बार करने से बेटा उतना मजा नहीं आएगा ना आपको आएगा ना मुझे आएगा यार ठीक है रिवाइज करते रहो एनसीआरटी खोल के बैठो कोई चीज मिस ना हो जाए अंडरलाइन करते रहो एक सवाल उससे गलत नहीं होगा ठीक है भाई तो इतना सबको क्लियर भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल शेप आ जाए जे शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऐसा कार का जो संसाधन असीमित पर मान्य होगा एक्सपोनेंशियल संसाधन सीमित होने पर मान्य होगा लॉजिस्टिक इसमें पॉपुलेशन की साइज कब तक बढ़ती रहेगी जब तक पोषण क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी नहीं आ जाती और ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल की है और ये वरुल्स पर लॉजिस्टिक इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की है ठीक है बच्चों इतना सबको क्लियर है भाई इतना सबको क्लियर है भाई एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इसको अब एनसीआरटी से भी देख लेते हैं भाई इसको अब हम इसी पॉइंट को सारा एनसीआरटी से भी देख लेते हैं आ ये रहा हमारे पास पॉपुलेशन के ग्रोथ कर मॉडल हैं बच्चों ये रहा हमारे पास सबसे पहले ये रहा पॉपुलेशन वृद्धि मॉडल है इसमें पहला हमारे पास कौन सा है एक्सपोनेंशियल वृद्धि मॉडल पहला कौन सा है चर घातांकी कब करेगा भाई कब काम करेगा आवास में संसाधन असीमित होते हैं तो रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड होंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होगा सही बात है तो अब इसका इक्वेशन ये रहा भाई डी एन बराबर डी टी बी माइनस डी इंटू एन बी माइनस डी को हमने आर कह दिया डी एन बाई डी टी आर एन दे रखा है इसमें बी आपको दे रखी है पॉपुलेशन की साइज एन है बर्थ रेट आपको दे रखा है और डी आपको दे रखा है डेथ रेट तो ये हमारे पास कौन सा हो गया चर घातांकी हो गया यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया ठीक है बच्चों फिर आपके पास इसी को अपन ने देखो ये रहा एन टी बराबर E आर टी एन टी का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी टी समय पर है O का मतलब है शुरुआत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है आर हमने देख ही लिया प्राकृतिक वृद्धि की इंटरेंसिक दर और e आपके पास बेस ऑफ नेचुरल लोगेरिथम ये सारे पॉइंट्स ये देखो जे शेप का ग्रोथ कर ये सब है फिर हमारे पास नेक्स्ट बच्चों ये तो एक कहानी दे रखी है और वो कहानी बता रखी है चर घातांकी की वो टू की पावर टू की पावर वन टू की पावर टू चार दो की पावर आठ तो एक कहानी बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि अगर चर घातांकी वृद्धि दर हो तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन साइज बढ़ती है ठीक है बच्चा। तो फिर यह हमारे पास बात हो गई अब दूसरा हमारे पास यह रहा लॉजिस्टिक ग्रोथ दूसरा हमारे पास संभार तंत्र या लॉजिस्टिक ग्रोथ है तो यह कब काम करेगा भाई जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते जब असीमित सीम संसाधन नहीं होते तब यह काम करेगा इसका मतलब यहां पर याद रखना प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होगा और यहां पर किसकी बात कर रखे हैं प्रकृति की पोषण क्षमता के कहते हैं प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए भरपूर संसाधन है यही पर है अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं फिर मैंने आपको बताया था शुरुआत प्रा, प्रा, लैग अवस्था से होगी फिर त्वरण यानी एक्सेलरेशन डेक्सेलेशन और ए सिमटोट ये रहा भाई एक्सेलरेशन फिर मंदन और अनंत स्पर्शी प्रावस्थाएं जिसे हम कहते हैं ए सिमटोट और इसका ग्राफ भी आपको ये रहा इक्वेशन वरहुल्स पर लॉजिस्टिक इक्वेशन है डी एन बाई डी टी आर के माइनस एन अपॉन एन ये यहां पर आर आएगा बच्चों आर एन ये मिस प्रिंट हो गया है और इसका ग्राफ भी हमारे पास ये रहा ये आपके पास कौन सी इक्वेशन हो गई वरहुल्स पर लॉजिस्टिक इक्वेशन ठीक है ये ग्राफ हमारे पास एस है ये ग्राफ हमारे पास जे है नितेश जी बहुत बहुत गुड इवनिंग बेटा क्या हाल चाल है आपके ठीक है बच्चों चलो इतना क्लियर वृद्धि मॉडल सबको क्लियर है भाई वृद्धि मॉडल वाला सिस्टम सबको क्लियर आ गया हमने एक्सपोनेंशियल वृद्धि मॉडल यानी चर घातांकी कब काम करेगा और दूसरा हमने देख लिया लॉजिस्टिक वाला कब काम करेगा ठीक है बच्चों चलो इतना सबको क्लियर है भाई इतना सबको क्लियर अब आ जाए आगे अब अपने पास नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में रखनी है बच्चों नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज यहां पर उदाहरण याद रखने हैं बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण जो ब्रीडिंग याद रखना बच्चों ब्रीडिंग या प्रजनन यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन टाइम और मेनी टाइम्स यह एनसीआरटी का एग्जाम्पल है आपको ध्यान में रखना है इसमें दे रखा है कि किसकी पॉपुलेशन प्रजनन दर याद रखना है बच्चों जो जीवन में एक ही बार प्रजनन करते हैं और जो जीवन में कई बार प्रजनन करते हैं तो जीवन में कई बार प्रजनन करने वालों में तो उदाहरण एनसीआरटी में दे रखा है बर्ड्स हैं मैमल्स हैं मतलब पक्षी हैं स्तनधारी हैं ये तो कई बार प्रजनन करते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बार इस पर सवाल आएगा बच्चों इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है एक बार कौन करता है केवल एक ही बार बैंबू और पैसिफिक सेलमन फिश याद रखना कथन पे सवाल आ सकता है उदाहरण पे सवाल आ सकता है एनसीआरटी में दे रखा है अगर आपने मिस कर दिया तो अभी कह रहा हूं अंडरलाइन कर लेना यह रहा एनसीआरटी में पॉइंट ठीक है कुछ ऑर्गेनिजम्स एक ही बार प्रजनन करते हैं ये रहा भाई आपके पास कुछ अपने जीवन काल में एक ही बार प्रजनन करती हैं प्रशांत महासागर की सैलमन मछली और बांस पैसिफिक सैलमन फिश और बैंबू और कई बार जो जनन करते हैं उसमें मोस्ट बर्ड्स और मैमल्स ये उदाहरण याद रख लेना फिर आपके पास याद रखना है बच्चों प्रजनन करने के बाद प्रजनन के दौरान बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे जीव भी पैदा होंगे या कुछ संख्या में बड़े जीव भी पैदा होंगे वो भी उदाहरण याद रखना है इधर ये देखो ऑइस्टर और पेलेजिक मछलियां ध्यान लेना बच्चों ये लाइन अंडरलाइन कर लेना ऑइस्टर और पैलेजिक मछलियां जो हैं वो छोटी साइज की संतति बड़ी संख्या में उत्पन्न करती है और पक्षी और स्तनधारी हम लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते भाई हम तो कम बच्चे पैदा करते हैं तो हम कम संख्या में बड़े आकार वाले जीव पैदा करते हैं तो अदर्स प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग इस पूरे में यही पॉइंट है जो याद रखने वाले थे ठीक है भाई यही वाली चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखनी है तो आपके पास ये रहे एक बार प्रजनन करने वाले और ये छोटी संख्या में ये दोनों सारे पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चों इतना सबको क्लियर है बात लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में याद रखना एक बार प्रजनन जीवन में एक ही बार प्रजनन कौन करेगा बास है बैंबू पैसिफिक सेलमन फिश बहुत बार जनन कौन दर्शाते हैं ज्यादातर पक्षी और स्तनधारी फिर आपको ध्यान में रखना है छोटे आकार वाले अधिक संतति कौन पैदा करेगी पेलेजिक ये रहा ऑयस्टर और पैलेजिक फिशेज और कम संख्या में बड़े आकार वाले जीव कौन पैदा करेंगे वो बर्ड्स और मैमल्स ही याद रखना है ठीक है फलाहारी पक्षी को बेटा प्रमोद जी फ्रूगी बर्ड्स कहते हैं बेटा वो अपन उसमें पढ़ेंगे जब हम जैव विविधता की बात करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे अपन ठीक है तो ये हमने बात कर ली अब सबसे इंटरेस्टिंग आता है पॉपुलेशन इंटरक्शन अब हमारे पास किसकी बात करेंगे भाई हम पॉपुलेशन इंटर की बात करेंगे समष्टि अभिक्रिया या पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसमें मैंने दो स्पीशीज लेनी है जाति ए स्पीशीज वन और जाति बी यानी स्पीशीज बी ठीक है बच्चों अब ध्यान रखना है अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों श्याम रखेंगे हमारे पास इसमें इंटरक्शन का नाम आपको ध्यान में रखना है म्यूचुअलिज्म या सिंबायोसिस जिसे कहते हैं सहजीविता फिर हमारे पास प्रेडेशन पर भक्षिता फिर आपको ध्यान में रखनी है पैरासिटिज्म जिसे हम कहते हैं पर जीविता फिर आपको चौथा ध्यान में रखना है कॉमेनजिज्म जिसे सहभोजिता कंपटीशन जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा और आखिरी में आपको ध्यान में रखना है एम एनसेलि ठीक है भाई सबसे पहले तो यह चार्ट आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो यह चार्ट याद रखना है क्योंकि इस चार्ट के माध्यम से आपको यह पता करना है कि ये जितने भी पॉपुलेशन इंटरैक्शन हैं जितनी भी समस्टी अभिक्रिया हैं, इसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा तो याद रखना प्लस का मतलब है बच्चों फायदा प्लस का मतलब है फायदा यानी बेनिफिट माइनस का मतलब नुकसान है यानी हार्म और शून्य का मतलब है कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है शून्य का मतलब है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माइनस का मतलब है नुकसान होगा यानी हार्म होगा और प्लस का मतलब है बेनिफिट है अब क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है भाई आपको यह याद रखना है किसको किससे क्या फायदा किससे क्या नुकसान याद रखना है तो सहजीविता जो सिंबायोसिस है सिंबायोसिस या सहजीविता में दोनों को फायदा होता है भाई सिंबायोसिस एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों को फायदा होगा तो जब दोनों को फायदा होगा उसे हम कहेंगे सहजीविता फिर परभक्षिता या प्रिडेशन में क्या होता है बच्चों एक को तो फायदा होता है एक को हानि पहुंचती है भक्षिता में एक को फायदा है एक को नुकसान है फिर परजीविता या पैरासिटिज्म सेम एक एक को फायदा, एक को फायदा, नुकसान कॉमन जेलिजम जो होता है बच्चों उसमें एक को फायदा होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके पास प्रतिस्पर्धा एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों को हानि होती है और एम एनजेलिजम में एक को हानि होती है एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह तो याद रखना बच्चों एक सवाल हां बहुत अच्छा सोचा आपने यहां से सवाल जरूर बनता है बहुत प्रबल संभावना है कि इससे आपके पास प्रश्न बन जाए तो अगर आपसे यह पूछ लें कि भाई कौन सी अभिक्रिया है जिसमें दोनों को हानि है ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें दोनों को हानि आती है तो आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिशन है ठीक है आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसी अभिक्रिया बताइए एक ऐसी अभिक्रिया बताइए जिसमें दोनों को फायदा है तो आपको ध्यान में रखना है सहजीविता या सिंबायोसिस तो इतना याद रखना है इसी से किस में किसको फायदा कौन कौन सी अभिक्रिया है जिसमें एक को फायदा है एक को हानि है तो वो पर भक्षिता और पर जीविता है ठीक है भाई तो पहली चीज तो आपको यह याद रखना है अब इसमें उदाहरण है अरे अनिल जी बहुत बहुत बढ़िया भाई आपने सेकंड ग्रेड का बैच पढ़ा था और अच्छा स्कोर भी आप कर रहे हैं चलिए यार बहुत बहुत बधाई हो आपका तो जरूर आप कभी मैसेज डाल दीजिएगा हम बिल्कुल बात कर लेंगे कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी अच्छा लगा जब ये लगता है जब ये सुनकर कि आपने मेहनत की और आपका पेपर बहुत अच्छा गया चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको ठीक है शिवानी जी बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा कल से हम नया चैप्टर चालू करेंगे पारितंत्र इको वाला क्योंकि आज हमारा ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल फिर हम लोग पारितंत्र या इको वाला चैप्टर चालू करेंगे ठीक है भाई तो अब आपको हाँ क्या क्या ध्यान में रखना है अब सबसे पहले तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस सहजीविता ठीक है अब म्यूचुअलिज्म सहजीविता सिम जिसमें दोनों को लाभ है अब इसमें क्या क्या उदाहरण है ठीक है अब इसमें हम देखें कि भाई क्या क्या उदाहरण हमारे पास है जो आपको ध्यान में रखना है भाई तो अब सबसे पहले तो म्यूचुअलिज्म में आपको क्या क्या उदाहरण याद रखने हैं लाइकेंस आपको उदाहरण याद रखना है बच्चों आपको माइकोराइजा याद रखना है माइकोराइजा और लाइकेंस याद रखने हैं चलो बच्चों अब एक सवाल है अब एक बार देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो Uh, कितना तरीके से सही पढ़ रहे हो माइकोराइजा जो है यह एक सहजीवी संयोजन है और माइकोराइजा हमें पता है किसके मध्य संयोजन होता है बच्चों कवक के मध्य और उच्च पादपों के जड़ों के साथ है कि नहीं ये तो आप सबको पता है हायर पादप मुख्यता होता है पाइनस जिम्नोसपम मेरा सवाल है कि माइकोराइजा जो है बच्चों माइकोराइजा में जो कवक है उस कवक का वंश या जीनस कौन सा है यह एनसीआरटी में देख रखा है तो मेरा सवाल अब आपसे है माइकोराइजा में जो कवक है या फंगा है उसका वंश आपको बताना है अरे सुभाष जी ने तो जवाब भी दे दिया भाई संचित जी एना बीना नहीं है बेटा यहां पर बिल्कुल अविकल्पी संयोजन है यह बिल्कुल अविकल्पी है बढ़िया 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 कवक आस्था जी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल शाइवी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अंकित जी बहुत बढ़िया शुभम जी बहुत बढ़िया श्रीराम जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई देविड जी बढ़िया भाई पप्पू जी बिल्कुल सही दीपक जी बिल्कुल सही ऋतु जी क्या बात है यार तो लगभग सभी ने जवाब अभिजीत जी अमर जी ज्योति जी, जी बहुत अच्छा यार तो इसका वंश हमारे पास क्या है ग्लोमस वंश हमारे पास ग्लोमस है तो माइकोराइजा का वंश जो कवक है वो ग्लोमस ये सब है फिर हमको ये भी पता है बच्चों राइजोबियम जीवाणु जो होता है तो राइजोबियम जीवाणु किसके साथ रहता है बच्चों लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ तो लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ रहता है वो भी सहजीविता है फिर आपको बच्चों अंजीर का वृक्ष है अंजीर का वृक्ष किसके साथ है वॉस्प कीट के साथ तो फिग ट्री और वॉस्प इंसेक्ट ये भी है फिर आपको एक और उदाहरण याद रखना है बच्चों यक्का पादप होता है यक्का पादप जो है वो प्रोनूबा मौत के साथ मौत ये सब किसके उदाहरण हैं सहजीविता और ये कैटेगरी तो परागन में आती है ये दोनों कैटेगरी किसके उदाहरण हैं पॉलिनेशन और पॉलीनेशन हमको पता ही है कि पॉलीनेशन या परागन में पादप को भी फायदा होता है और पादप को या प्लांट को जो पॉलिनेट करने वाला कीट है इंसेक्ट है या पक्षी है उसको भी फायदा होता है ठीक है भाई तो आपके पास ये म्यूचुअलिज्म या सहजीविता के उदाहरण आप याद रखिएगा लाइकेंस याद रखिएगा माइकोराइजा याद रखिएगा राइजोम लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ है और परागन या पॉलीनेशन भी आपको ध्यान में रखना है बहुत बढ़िया भाई ठीक है तो यह तो अपन ने बात कर ली अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है एनसीआरटी में सेक्सुअल डिसीट का या जिसे हम कहते हैं लैंगिक कपट एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है एनसीआरटी में लैंगिक कपट या सेक्सुअल डिसीट इसमें आपको कौन सा याद रखना है एक तो पादप याद रखना है इसमें हमारे पास मेडिटरेनियन ऑर्किड पादप होता है बच्चों मेडिटरेनियन ऑर्किड पादप है जिसका नाम है ओफाइरस और एनसीआर में दे रखा है कि ये जो आपके पास मेडिटेरेनियन ऑर्किड है यानी जो ओफायरस है ये धोखे से यानी सेक्सुअल डिसीड लैंगिक कपट से अपना परागन करवाता है क्या दे रखा है भाई इसमें दे रखा है कि जो मादा यहां पर इसका जो पुष्प है इसका जो फ्लावर है उसके पेटल का आकार कैसा होता है बच्चों फीमेल बी के पंख जैसा होता है किसके जैसा होता है फीमेल बी के विंग या पंख जैसा होता है तो इसलिए नर को लगता है या मेल को लगता है कि वो मादा है और इसलिए वो आकर्षित होकर उसके साथ कूट मैथुन करता है यानी स्यूडो कॉप्युलेशन करता है और प्लांट जो है वो धोखे से अपना परागन करा लेता है तो यह वाला उदाहरण एनसीआरटी में दे रखा है आपको याद रखना है लेकिन यह वास्तविक म्यूचुअलिज्म नहीं है सवाल आपके पास आ जाए ऐसा कौन सा परागन है ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जो जो सहजीविता का उदाहरण नहीं है जिसमें दोनों को फायदा नहीं होता तो वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है बच्चों तो यह वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिडेशन प्रिडेशन या जिसे हम कहते हैं पर भक्षिता अब पर भक्षिता में भी हमको पता है एक को फायदा होगा और एक को नुकसान होगा एक को फायदा है और एक को नुकसान है लेकिन अब एनसीआरटी में क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले तो प्रिडेशन के फायदे या महत्व आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एनसीआरटी में यह पॉइंट दे रखा है क्योंकि एनसीआरटी में सबसे पहले यह दे रखा है कि अगर आप प्रिडेशन को हटा दो मान लो एक पारितंत्र से प्रिडेशन या परभक्षिता को हटा दो तो फिर पारितंत्र के क्या क्या कार्य पर प्रभाव पड़ेगा जो पारितंत्र है इकोसिस्टम के कौन कौन से फंक्शन प्रभावित होंगे तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों पर भक्षिता सबसे मुख्य कहां पर यूज होती है फूड चेन में खाद्य श्रृंखला में सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी है भाई खाद्य श्रृंखला क्योंकि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है भाई ग्रास हॉपर ग्रास खाएगा तभी तो ऊर्जा प्रवाह होगा फिर मेंढक ग्रास हॉपर को खाएगा तब आगे फॉलो होगा तो आपके पास खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा प्रवाह है बच्चों जो एनर्जी फ्लो है वो पर भक्षिता के कारण ही होगा तो परभक्षिता का सबसे पहला महत्व खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह मतलब अगर सवाल आ जाए कि हम एक पारितंत्र से हम एक इकोसिस्टम से प्रिडेशन को हटा देते हैं तो कौन सा फंक्शन कौन सा कार्य प्रभावित होगा तो आपको याद रखना है वो होगा वो खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह यानी कौन सा फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा एनर्जी फ्लो फिर दूसरा और क्या महत्व है भाई पर भक्षिता का तो परभक्षिता जैविक नियंत्रण में काम करती है जैविक नियंत्रण या जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना भाई मान लो चूहे को मारना है चूहे को मारने के लिए दवाई या जहर लेते हैं तो वो तो रासायनिक नियंत्रण है केमिकल कंट्रोल है लेकिन चूहे को मारने के लिए बिल्ली का प्रयोग करते हो तो बिल्ली क्या करेगी उसे खा ही जाएगी ना तो परभक्षिता ही हुई वो प्रिडेशन हुई तो जैविक नियंत्रण में कौन काम करता है जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल में परभक्षिता या प्रिडेशन काम करेगा और इसी के कारण जो शिकार की समष्टि है प्रे पॉपुलेशन नियंत्रित रहती है आप इमेजिन करो एक पारितंत्र, एक इकोसिस्टम एक है इकोसिस्टम में अगर आपने प्रेडेटर्स को हटा दिया पर को हटा दिया वो है ही नहीं तो सारे जो शिकार हैं सारे प्रे हैं उनको नियंत्रित करने वाला कोई रहेगा ही नहीं और वो बढ़ते जाएंगे अनियंत्रित स्तर पर बढ़ते जाएंगे आ, राम अवतार जी ने पूछा है सर बायो में नंबर कैसे लाए ये बता दें देखो बेटा एक चीज़ समझो सबसे पहले ठीक है ना नंबर लाने को हमेशा मैं कहता हूँ वो आखिरी मंजिल है नंबर से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा सबसे पहला तो यह है कि आप जिस टॉपिक को या जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना पूरी ईमानदारी से पढ़ो पूरे मन से पढ़ो और प्रेम से पढ़ो और उससे जब सीखोगे उसके बारे में जब समझोगे उसको जानोगे और फिर उसको बेहतर रूप से याद करोगे बेटा तो अपने आप नंबर आएंगे हमेशा याद रखना नंबरों के पीछे भागोगे ना कि सर सिर्फ नंबर आ जाएं सिर्फ नंबर आ जाएं तो तनाव और प्रेशर बढ़ता है और बेहतर है कि जब आप चीजों को सरल आसान बना रहे हो तो नंबर अपने आप आ जाएंगे तो अप्रोच सीखने पे रखो याद रखने पे रखो चीजों को आसान करने में रखो अपने आप नंबर आ जाते हैं सीधे नंबर कभी नहीं आएंगे बेटा ठीक है तो बढ़िया मेहनत करो पढ़ते रहो बहुत अच्छा होगा देखिए भाई शुभम जी कह रहे हैं सर हमको डर लग रहा है एग्जाम में तो बेटा देखो जब जब एग्जाम नजदीक आता है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है ना हर स्टूडेंट को डर लगता है और डर लगना बड़ा नॉर्मल है थोड़ा डर हमेशा लगना चाहिए क्योंकि थोड़ा डर जो है ना वो हमें फोकस रखता है हमको डिसिप्लिन में रखता है ऐसा कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सर मेरे को तो एग्जाम नजदीक आ रहा है बिल्कुल भी डर नहीं लगता हाँ जो पढ़ना ही नहीं चाहते कुछ सीखना ही नहीं चाहते जीवन में तो होते हैं काफ़ी जने जो सिर्फ यूट्यूब पे इसलिए आते हैं कि सर हम कमेंट कर सकें एक कमेंट को सौ सौ बार दो दो सौ बार तीन तीन सौ बार दे रहे करते रहते हैं उनका उद्देश्य सीखना नहीं है जानना नहीं है चीज़ों को आसान करना नहीं है समझना नहीं है तो है, उनका तो फिर कुछ नहीं कर सकते बच्चों लेकिन अब आप ये मान के चलिए बाकी हर स्टूडेंट जो ईमानदारी से पढ़ना चाहता है ना ईमानदारी से कोशिश करना चाहता है उसको डर लगता है और यह डर आपको ज्यादा फोकस रखेगा आपका आगे चलकर आपका स्ट्रेंथ बनेगा क्योंकि जब आप फोकस ज्यादा रहोगे डिसिप्लिन में रहोगे तो मेहनत अच्छी तरह से करोगे और मेहनत अच्छी तरह से करता है आदमी जब ईमानदारी से मेहनत बढ़िया करता है ना तो फिर उसको नुकसान कभी नहीं होता जीवन में ठीक है भाई चलिए आ जाओ <laughs> तो अब आपके पास परभक्षिता में दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल और वो प्रे पॉपुलेशन को नियंत्रित करता है तीसरा आपको ध्यान में रखना है तीसरा भी एनसीआर में क्या दे रखा है बच्चों कि वो जो प्रे समष्टि है प्रे समष्टि की विविधता या डाइवर्सिटी को बनाए रखता है क्या बनाए रखता है भाई विविधता या डाइवर्सिटी को बनाए रखता है तो अब आपके पास पर भक्षिता में ये तीनों, में तीनों ध्यान से रखने हैं भाई तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह पर भक्षिता के कारण है जैविक नियंत्रण का कॉन्सेप्ट भी बरपक्षिता पर आधारित है और जो प्रे है जो प्रे पॉपुलेशन है उनके मध्य प्रतिस्पर्धा कम करके उनकी विविधता को भी बनाए रखता है यह सब परभक्षिता के उदाहरण है ठीक है भाई चलिए अब नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है बच्चों यह तो परभक्षिता है अब उदाहरण अब उदाहरण से पहले आपको क्या ध्यान में रखना है सुन लो पर भक्षिता या प्रिडेशन में आपको सबसे पहले तो प्रिडेटर की बात करनी है या प्रिडेटर प्रिडेटर के बारे में या परभक्षी के बारे में एनसीआरटी में क्या दे रखा है बच्चों प्रिडेटर या परभक्षी के बारे में क्या दे रखा है यह दे रखा है कि वो नेचर में प्रूडेंट होते हैं प्रूडेंट का मतलब है विवेक से काम लेते हैं और कभी भी अपने शिकार का अति दोहन नहीं करते कभी भी अपने शिकार का ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं करते है ना ये जो प्रेडेटर हैं, प्रेडेटर बिल्ली कहते हैं ना बिल्ली कभी भी जीवन में सारे चूहे नहीं खाएगी वो उतना ही चूहा खाएगी जितना उसको पेड़ भरने के लिए जरूरी है उतने ही चूहों का सेवन करेगी जितना चूहे की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही जरूरी है तो प्रेडेटर या परभक्षी जो है वो प्रूडेंट होते हैं विवेक से काम करते हैं और कभी भी अपने शिकार का क्या नहीं यूज करते अति दोहन या ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं करते ठीक है बच्चों अब सुन लो ये तो प्रिडेशन की बात हो गई अब अपने पास शिकार प्रे पॉपुलेशन की बात करें बेचारे शिकारी जो शिकार होगा जिसका तो प्रे पॉपुलेशन अपना बचाव कैसे करेगी शिकारी तो शिकार को मारकर खाएगा ही तो जो बिचारा शिकार है जो बेचारा प्रे है वो अपनी जनसंख्या वो अपना बचाव कैसे करेगा ये याद रखना है तो इसमें आपको एक तो एनिमल्स के उदाहरण याद रखने हैं कि जंतु अपना बचाव कैसे करेंगे और एक प्लांट्स हैं वो अपना बचाव कैसे करेंगे तो अब आपको एनिमल्स में अपना बचाव कैसे होगा भाई एनिमल्स में आप बचाव कैसे करते हैं तो आपको इसमें दो याद रखना है बच्चों एक तो याद रखना है कैमोफ्लाज जिसे हम कहते हैं छदमावरण हाँ काफी जंतु अपने आकार बदल लेते हैं अपना रंग बदल लेते हैं तो रंग में या आकार में कोई भी बदलाव आता है कोई भी चेंज आता है जिससे वो अपने शिकारी से बच सकें तो उसे छदमावरण कहते हैं फिर मिमिक्री होती है बच्चों नकल करना फिर तीसरा एनसीआरटी में दे रखा है एक मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में दे रखा है ना दे रखा है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो अपने परभक्षी के लिए अपने प्रिडेटर के लिए डिस्टेस्टफुल होती है अरुचिकर जैसे ही इस मोनार्क बटरफ्लाई को कोई भी शिकारी खाने की कोशिश करता है उसको खराब स्वाद लगता है और उसको मुंह से बाहर फेंक देता है बच जाती है ये क्यों बचा, बच जाती है क्योंकि इसके शरीर में एक टॉक्सिक खरपतवार या वीड होती है और ये कैटरपिलर अवस्था में उसको अपने शरीर में डाल देती है शरीर में डाल देने पर इसका टेस्ट इतना खराब हो जाता है कि इसको कोई परभक्षी कोई प्रेडेटर खा नहीं सकता तो ये आपको एनिमल्स के तो बचाव अपने कोई भी जंतु जो है वो अपने शिकारी से बचाव कैसे करेगा और ये लार्वल अवस्था में बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छा फिर एनसीआरटी में है भाई प्लांट्स अपना बचाव कैसे करेंगे प्लांट तो भाग भी नहीं सकते इसलिए प्लांट तो कहीं भाग भी नहीं सकता अपने बचाव के लिए तो प्लांट क्या करते हैं इधर सुनो सबसे पहले तो उनमें कांटे होते हैं सबसे पहले तो जैसे आपके पास आपके पास अकेसिया वाला उदाहरण दे रखा है तो अब काटे होते हैं कांटों से वो अपना बचाव करता है दूसरा कैलोट्रोपिस होता है बच्चों आंकड़ा हाँ ये वाला कैलोट्रोपिस आपने देखा एनसीआरटी में दे रखा है कैलोट्रोपिस के आसपास कोई भी आपको भेड़ या बकरिया, गाय बकरियां नहीं दिखती क्यों नहीं दिखती क्योंकि इसके अंदर एक विषाक्त कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है और यह हृदय स्पंदन बंद करने की क्षमता रखता है भाई अरे अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद यार बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए बढ़िया आई होप हमारी प्रार्थना हमारा पूरा विश्वास है कि आप बढ़िया एग्जाम करेंगे इस बार तो पादपों की बात हो रही है उसमें काटे एक तो उदाहरण हो गया बच्चों अकेसिया के अंदर काटे हैं कैलोट्रोपिस आंख जो है उसमें विषा ग्लाइकोसाइड्स है जो हृदय स्पंदन पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं यह दूसरा और तीसरा बच्चों पादपों के अंदर जो द्वितीयक उपापचय पदार्थ होते हैं द्वितीयक उपापचय का मतलब है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसे हम किस नाम से जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं, जैसे प्लांट में कोई तेल का स्त्रावन हो रहा है कोई दूसरे अवशेष पदार्थों का स्त्रावन हो रहा है तो वो भी वो अप, वो पादपों को उनके पर भक्षी से बचाने में काम करते हैं ठीक है बच्चों तो ये सारे उदाहरण एनसीआरटी में हैं, इसलिए मैंने चार्ट बनाकर दे दिया भाई आपके पास प्रे पॉपुलेशन यानी जो अपने पास पर भक्षी पर तो खाएंगे शिकार को तो शिकार जो है बिचारा वो अपने बचाव के लिए क्या क्या करेगा पादपों के तीनों उदाहरण याद रखने हैं एनिमल्स के तीनों उदाहरण याद रखने हैं मोनार्क बटरफ्लाई लार्वल अवस्था में एक विषाक्त टॉक्सिक वीड उत्पन्न करती है और आपके पास प्लांट्स अपने बचाव के लिए काटे रखते हैं कैलोट्रोपिस और द्वितीय उपापचय या सेकेंडरी मेटाबोलाइट ठीक है बच्चों यहां तक सबको क्लियर है हमने प्रिडेशन की बात भी कर ली अब आ जाओ पर जीविता या पैरासिटिज्म अब अपने पास आता है पैरासिटिज्म या पर जीविता पर जीविता या पैरासिटिज्म पर जीविता या वाला बात ठीक है भाई तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों <coughs> पर जीविता में भी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक को फायदा होगा और एक को हानि होगी अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले तो आपको एक परजीवी परजीवी का मतलब है यानी एक पैरासाइट जो है इसके लक्षण पता होने चाहिए पैरासाइट या परजीवी के लक्षण आपको पता होने चाहिए क्या क्या है परजीवी या पैरासाइट के लक्षणों में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है भाई सबसे पहले तो जो भी परजीवी होगा पैरासाइट होगा उसकी जनन दर बहुत ज्यादा होगी वो बहुत तेजी से रेप्रोड्यूस करेगा तो पहला लक्षण तो आपको ध्यान में रखना है उसकी जनन दर ज्यादा होगी ठीक है दूसरा आपको ध्यान में रखना है उसका पाचन तंत्र उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अल्प विकसित होगा अब उसका पाचन तंत्र या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कम विकसित होगा क्यों क्योंकि उसको बना बनाया पोषण तो होस्ट से मिल रहा है बना बनाया न्यूट्रिशन संवेदी अंग नहीं होते सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो परपोषी से अपना पोषण ले रहे हैं उनको कोई संवेदिया सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं है और चौथा उनमें चूषक यानी बिल्कुल सही सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं तो ये आपके पास एक परजीवी के लक्षण जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं ये सभी परजीवी के लक्षण हैं हर परजीवी में रिप्रोडक्शन रेट जनन दर ज्यादा होगी उसका पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम अल्प विकसित होगा संवेदी अंग अनावश्यक संवेदी अंग नहीं होंगे और चूषक और हुक्स प्रेजेंट होंगे ठीक है बच्चों तो ये वाला पॉइंट परजीविता फिर परजीवी जो है बच्चों इसमें जो पैरासाइट्स हैं उसके भी दो टाइप्स के उदाहरण याद रखने हैं जो पैरासाइट्स हैं एक तो बही परजीवी आपको ध्यान में रखने हैं तो पैरासाइट्स और एक अंत परजीवी या एंडो पैरासाइट्स अब बच्चों देखो एंडो पैरासाइट्स के उदाहरण तो बहुत सारे हैं बहुत सारे उदाहरण आपको अंत परजीवी के मालूम होंगे मतलब उत्पन्न करने वाला एसक, मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लास्मोडियम अमीबायसिस करने वाला एंटामीबा ये मानव स्वास्थ्य रोग में जितनी बीमारियां हैं बच्चों उसमें सारे के सारे वो अंत परजीवी ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं एक्टोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट में टिक्स याद रखने हैं लाइस जुए जिसे हम कहते हैं कोड याद रखने हैं और कसकटा अमर बेल जिसे कहते हैं याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट जो हैं वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं सारे उदाहरण जो हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं तो एक एक पॉइंट एनसीआरटी में अंडरलाइन करते रहना नहीं तो इसका फ्लो जो मैंने बनाया है इस तरह से बना लो ताकि कोई गलती ही ना रहे तो परजीवी या पैरासाइट है वही परजीवी हैं कुत्तों पर टिक्स होते हैं मानव पे पेलाइस जो है कोपोड हैं मराइन लवनिया मछलियों पर और एक पादप जिसमें क्लोरोफिल है ही नहीं मतलब पहले था लेकिन जैसे जैसे इसका जैव विकास होता गया वैसे वैसे इसमें क्लोरोफिल खत्म हो गया अब यह क्या बन चुका है यह बही परजीवी या एक्टो बन चुका है तो यह सारे उदाहरण भी आपको ध्यान में रखने हैं यह सारे पैरासाइट्स के उदाहरण याद रखने हैं ठीक है बच्चों फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉमेनजेलिजम सहभोजिता इसमें हमें पता है एक को फायदा होगा और दूसरी जाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक को फायदा एक को कोई प्रभाव नहीं सिंपल उदाहरण याद रखने हैं बच्चों किड पादप होता है ऑर्किड पादप आम पर रहता है तो ऑर्किड हमें पता है एक अधो पादप है बच्चों एक एपीफाइट है अधो पादप या एपीफाइट का मतलब जो अन्य पादप पर वृद्धि करता हो तो ऑर्किड को तो फायदा होता है मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों फिर आपके पास एक क्लाउन मछली होती है क्लाउन मछली किसके साथ रहती है सी एनीमोन के साथ सी एनिमोन की दंश कोशिकाएं होती हैं इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्लाउन मछली इसके साथ रहती है तो वो अपने परभक्षी अपने प्रेडेटर से बच जाती है फिर आपको उदाहरण क्या ध्यान में रखना है बगुला इग्रेट्स आपने देखा होगा बगुला हमेशा भेड़ों के साथ रहता है हमेशा भेड़ों के साथ क्यों रहता है क्योंकि भेड़ जब घास चढ़ती हैं, कैटल जब घास चढ़ती हैं, तो छोटे छोटे कीट बाहर निकल के आते हैं और उन कीटों को कौन खा जाता है बगुला खा जाता है तो कैटल और ईग्रेट्स, ईग्रेट्स को फायदा होगा कैटल को कोई नुकसान भी नहीं होता सही बात है और बारनेकल्स ऑन वेन छोटे छोटे कीट होते हैं बार्नेकल्स इनको फायदा होता है ये वेल की सतह पर रहते हैं और उससे अपना पोषण लेते हैं सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों यू का यू सवाल आएगा मैंने ब्रैकेट में प्लस और जीरो भी इसलिए लिखा है क्या कि आपको पता चल सके किसको फायदा हो रहा है और जीरो का मतलब है किसे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है बच्चों क्लियर है बात इतनी सबको यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं यहां तक एक बार क्लियर एक बार एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो यहां तक क्लियर है कि नहीं पॉपुलेशन अभिक्रिया हमने जितना पड़ी है बिल्कुल सुशीला जी बिल्कुल सही अंकित जी कौन सा पीडीएफ लोड होने में प्रॉब्लम आ रहा है बेटा चलो बढ़िया 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 फिर हमारे पास बच्चों आखिरी में आखिरी टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है कंपटीशन या जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा आखिरी पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है वो हम क्या कहते हैं भाई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा और इसमें हमें पता है दोनों जातियों को हानि होती है कंपटीशन में दोनों को नुकसान दोनों को हानि है अब सुन लो बच्चों कंपटीशन का क्या मतलब है सबसे पहले तो देखो एनसीआरटी में इसकी परिभाषा को चेंज कर रखा है क्योंकि पहले यह मानना जाता था कि जब दो निकट संबंधित जीव होते हैं इसका मतलब जब दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जब सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे होते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है मतलब पहले यह माना जाता था कि जब दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जब वो लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं तो भी कॉम्पिटिशन होता है लेकिन नई डेफिनेशन यह कहती है कि कॉम्पिटिशन जो है वो असंबंधित जीवों के मध्य भी हो सकता है मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक संबंध नहीं है अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और जब संसाधन सीमित ना भी हो मतलब जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो तभी भी प्रतिस्पर्धा हो सकती है और उस प्रतिस्पर्धा को कहते हैं इंटरफेयरिंग कंपटीशन। अभी हम एनसीआरटी में ये सारे पॉइंट देखेंगे बच्चों ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर से कुछ ना छूटे कोई पॉइंट ना छूटे तो क्या रखा है बच्चों पहली चीज तो कंपटीशन असंबंधित जीवों को के मध्य होता है इसका एनसीआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है कि जो फ्लेमिंगो होते हैं पक्षियां हैं और पानी में रहने वाली मछलियां हैं वो दोनों अनरिलेटेड है एक बर्ड है एक मछली है लेकिन दोनों जंतु प्लवक दोनों जू प्लैंगटन का सेवन करती हैं तो दोनों असंबंधित हैं दोनों अनरिलेटेड हैं लेकिन दोनों अपना संसाधन जू प्लैंगटन्स है और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है दूसरा पॉइंट दे रखा है कि संसाधन असीमित होते हैं असीमित संसाधन पर भी जो कंपटीशन होता है उसको इंटरफेरिंग कंपटीशन कहते हैं बिल्कुल पप्पू जी ने बहुत सही कहा है। डार्विन का जो भी एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है बेटा बिल्कुल सही वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन पर आधारित है बहुत बढ़िया बेटा क्लाउन फिश की हिंदी नहीं मालूम बेटा क्लाउन मछली कह दो ना यार इसको ठीक है ना जोकर मछली क्लाउन मछली है ये छोटी सी होती है अब नेक्स्ट पॉइंट आपको कंपटीशन में क्या दे रखा है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन में आता है जिसे हम कहते हैं गॉस का कंपेटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा अपवर्जन नियमन गॉस का ये कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है आसिफ बेटा जो भी ऑफर है ना बेटा तो एक बार आप उसमें आपका जो नंबर दे रखा होगा बेटा आप उद्काश में जाएंगे तो उसमें आपको एक हेल्पलाइन नंबर होगा एक बार उनको कॉल करके जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं जो भी आप सोच रहे हैं जो भी आपको इश्यूज हैं वो एक बार जरूर उनको कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा बेटा ठीक है आसिफ जी चलो अब इधर ध्यान देंगे भाई अब गॉस का कंपेटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि जब दो निकट संबंधित जीव हैं, दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब दो निकट संबंधित जीव होते हैं और वो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे होते हैं अगर वो लिमिटेड रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकते सिंपल पॉइंट में समझो याद रखना अंकित जी बेटा एक बार कॉल करके पूछेगा बेटा पीडीएफ लोड में तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा हां आगे जरूर आपकी जो समस्या है वो आगे फॉरवर्ड में कर दूंगा बोल दूंगा बट बेटा वो ये टेक्निकल समस्या के लिए आप एक जरूर कॉल नंबर या एक जो हेल्पलाइन नंबर है ना उस पर कॉल कीजिएगा तो हमेशा याद रखना समान अर्जित जी समान तो बेटा जन जीव होने चाहिए तो जब समान ऑर्गेनिजम्स हो सेम ऑर्गेनिजम्स हो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो जब वो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे होते हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकते क्यों नहीं रह सकते क्योंकि जो सुपीरियर जाति होती है जो ज्यादा प्रबल जो ज्यादा सुपीरियर जाति है वो इन्फीरियर जाति को कमजोर जाति को वहां से हटा देगी ये गौस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि जब दो निकट संबंधित जीव हैं, दो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो सीमित संसाधन के लिए लड़ रहे हैं याद रखना संसाधन सीमित होना जरूरी है भाई एक कुर्सी है और दो लोग हैं जो उस पर बैठना चाहते हैं तो एक ही बैठ पाएगा ना जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा मजबूत होगा वो दूसरे को धक्का देकर बैठ जाएगा लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं दो कुर्सियां हैं तो फिर तो कोई ये नियम काम नहीं करेगा ये नियम तभी काम करेगा जब संसाधन सीमित हो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और सीमित संसाधन जब होंगे तो वो साथ साथ नहीं रह सकते क्योंकि जो सुपीरियर जाति है वो सुपीरियर जाति इनफीरियर जाति को उस जगह से हटा देगी ये कॉस का कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है लेकिन अब नेक्स्ट चीज ये है कि इसका उदाहरण भी दे रखा है बच्चों जो गैल्पोगा साइलेंट थे ना उस पर वो जैसे ही बेहतर चारण करने वाली बेहतर ग्रेस करने वाली भेड़ बकरियां जैसे ही आई तो बेचारा वहां का जो धीमा स्लो एबिंगडन था वो वहां से खत्म हो गया वो डिस हो गया क्योंकि उसके घास कर चरने की क्षमता और भेड़ बकरियों की घास करने की क्षमता बहुत बेहतर थी उससे तो जो ज्यादा सुपीरियर होता है जो ज्यादा बेहतर होता है वो इनफीरियर जाति को वहां से हटा देता है ये का है अर्जी जी हमेशा बेटा संसाधन सीमित होगा ना तो एक निकेत नहीं होगा जब संसाधन होगा तो तो हो सकता है बेटा निकेत का मतलब बेटा मैंने पहली क्लास में बता दिया था आवास और निकेत दोनों की बात अरिजीत जी की थी बेटा तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो देखना बेटा उसमें मैंने आवास और निकेत दोनों का मतलब बता रखा है फिर यह है हमारे पास रिसोर्स पार्टिशनिंग अब ये क्या है संसाधन या रिसोर्स पार्टिशनिंग ये बताता है कि भाई देखो गौस ने तो क्या कहा <coughs> गौस ने कहा कि अगर सीमित संसाधन है दो एक समान ऑर्गेनिजम्स हैं तो दोनों उस सीमित संसाधन उस जगह पर नहीं रह सकते सुपीरियर जो जाति है वो इंफीरियर को वहां से हटा देगी लेकिन अगर इंफीरियर जाति जो कमजोर जाति है वो कमजोर जाति अगर थोड़ा सा बदलाव कर ले कहते ना कॉम्प्रोमाइज कर ले आज मान लो एक कुर्सी है और दो जने हैं तो स्ट्रांग वाला बैठ जाएगा कमजोर वाला कहेगा अरे माई बाप आप ज्यादा स्ट्रांग हो आप बैठ जाओ मैं नीचे जमीन पे बैठ जाऊंगा तो स्ट्रांग वाला बोलेगा ठीक है कहां दिक्कत है बैठ जा, जा जमीन पर इसका मतलब जो कमजोर है जो इंफीरियर जाति है वो अपने भोजन के ढूंढने के तरीके को वो अपने भोजन के खाने के तरीके में अगर बदलाव लेकर आ जाए वो कॉम्प्रोमाइज कर ले तो वो सुपीरियर स्पीशीज के साथ रह सकती है इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाता है आसिफ जी बिल्कुल पूछिए बेटा क्या पूछना चाहते हैं आप विनोद जी बेटा चल रही है ना बेटा बायोलॉजी की क्लास जो है हमारे पास ये हम एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चला ही रहे हैं बेटा अभी तो हफ्ते में तीन दिन क्लास रहती है ये मंडे होती है ट्यूसडे होती है वेंसडे होती है बेटा तो अब रिसोर्स पार्टिशनिंग के कारण इंफीरियर जाति जो है वो अपने में बदलाव लाकर कॉम्प्रोमाइज करके किसके साथ रह सकती है किसके साथ को एग्जिस्ट कर सकती है सुपीरियर स्पीशीज के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है नहीं होगी आसिफ जी अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं बेटा रिकॉर्डेड कोर्स आप देखते हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज बहुत बेहतरीन तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सटीक तरीके से बनाया गया है और रिकॉर्डेड कोर्सेज में हम लोगों ने हर एक चैप्टर को एनसीआर का रूप देकर उसी तरह पढ़ाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा ठीक है आसिफ जी चलिए तो रिसोर्स पार्टिशनिंग वाला सिस्टम समझ आ गया ठीक है जिसके कारण इंफीरियर जाति अपने में बदलाव लाकर अपने भोजन को ढूंढने खाने के तरीके में बदलाव लाकर सुपीरियर स्पीशीज के साथ रह सकती है बिल्कुल पप्पू जी क्या बात है ठीक है बच्चों फिर एक आखिरी चीज और दे रखी है बच्चों एनसीआरटी में देखो एक मान के चलो एक इंफीरियर जाति है और एक इंफीरियर जाति जैसे एक जंगल है बच्चों जंगल में मान लो एक हिरण है तो जंगल में हिरण कहां कहां नहीं जा सकता वहां वहां नहीं जा सकता जहां पर शेर है, है ना तो एक इंफीरियर जाति है वो सुपीरियर जाति की उपस्थिति के कारण अपना जो भौगोलिक वितरण है अपना जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैला नहीं सकती उसका निकेत उसके काम करने का जो दायरा है वो सीमित रहता है क्योंकि उसे पता है कि यार सुपीरियर स्पीशीज मुझे काम नहीं करने देगी मुझे मार देगी मुझे खत्म कर देगी तो एनसीआरटी में एक पॉइंट है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से किसी सुपीरियर स्पीशीज को हटा दो एक्सपेरिमेंटली अगर आप किसी सुपीरियर स्पीशीज को हटा दो तो जो इन्फीरियर स्पीशीज है जो प्रबल जो बिचारी स्पीशीज थी वो अपना जियोग्राफिकल रेंज बढ़ा देगी उसका भौगोलिक वितरण जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा इसे हम कहते हैं कंपेटेटिव रिलीज इसे ही क्या कहते हैं बच्चों कंपेटेटिव रिलीज कहते हैं इंफीरियर का मतलब कमजोर है धाकर जी सुपीरियर का मतलब जो ज्यादा सक्षम है ज्यादा बेहतर है सुपीरियर और इन्फीरियर का मतलब कमजोर प्रबल ठीक है बच्चों क्लियर है बात ये, ये सारे पॉइंट एनसीआरटी में हैं, ये पूरा का पूरा हर एक बेटा टेन परसेंट एनर्जी लॉस वासुदेव जी यहां नहीं आएगा बेटा वो पारितंत्र में आएगा पारितंत्र में एक पोषक स्तर से एक ट्रॉफिक लेवल से जब अगले ट्रॉफिक लेवल पर हम मूव करते हैं ना तो दस प्रतिशत ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है दस परसेंट एनर्जी लॉस नहीं होता बेटा दस परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर बाकी जो नब्बे प्रतिशत ऊर्जा है वो उपापचय में मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है या हीट लॉस के फॉर्म में भी निकल जाती है ठीक है बच्चों इतना सबको क्लियर है बता दो ये एनसीआरटी में सारे पॉइंट है बच्चों ये देखो ये सारे के सारे इंटरक्शन हैं प्लस माइनस ये वाला सारा पॉइंट अपन ने देख लिया ठीक है उसके बाद ये रहा कॉमेनजेलिजम यह सबकी बात हो रही है फिर सबके देखो प्रिडेशन में क्या क्या दे रखा था प्रिडेशन में सारे के सारे लक्षण मैंने आपको बता दिए ये कॉन्डुइट्स बच्चों कॉन्डुइट्स का मतलब यहां पर ये रहा ठीक है यहां पर कॉन्डुइट का मतलब है माध्यम मीडियम है माध्यम आज घास ग्रास ओपर खाएगा तभी तो ऊर्जा स्थानांतरण होगी तो ऊर्जा स्थानांतरण में घास और ग्रास ऑपर क्या हुए माध्यम हुए कहते हैं उसको तो ये आपके पास है है फिर प्रे को नियंत्रित रखती है। क्या करती है बच्चों पर भक्षी एक दूसरे महत्वपूर्ण शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं और उसके बाद एक और दे रखा है और इसके बाद यह पॉइंट यहां पर भी दे रखा है प्रिडेटर टू रेग्यूलेट ऑल्सो मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग दी कंपटीशन ये तीनों पॉइंट मैंने बताए थे जैव नियंत्रण विधियां भी अपन ने देख ली थी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके जातियों की विविधता को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं फिर मैंने आपको बताया था यह लक्षण है प्रिडेटर टू एफिशियंट है तो आपके पास ये रहा नेचर आर प्रूडेंट मतलब विवेकी होते हैं विवेकी का मतलब कभी भी उनका अति दोहन नहीं करते फिर बचाव कैसे करते हैं प्रे स्पीशीज अपना बचाव कैसे करेंगे बच्चों ये रहा कैमोफ्ला छदमावरण जिसके हो गया फिर आपके पास मोनार्क बटरफ्लाई ये रहा लार्वा एक केमिकल कैटरपिलर स्टेज में ये सारे पॉइंट अपन ने देख लिया फिर प्लांट अपना बचाव कैसे करते हैं प्लांट अपने पास कैसा बचाव करते हैं अकेसिया और कैक्टस में काटे होते हैं ठीक है फिर आपके पास ये रहा कैलोट्रोपिस वीड कैलोट्रोपिस जो है उसके अंदर जहरीले कार्डिय ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और आपके पास ये रहे निकोटीन कैफीन ये सारे के सारे जिसको अपन ने क्या कहा था द्वितीयक उपापचयिक या सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनको हमने क्या कहा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट फिर आपके पास प्रतिस्पर्धा है बच्चों कंपटीशन। ये देखो अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी प्रतिस्पर्धा संभव है असंबंध जातियों के मध्य प्रतिस्पर्धा है फिर दूसरा रिसोर्सेज नीट नॉट बी लिमिटिंग इसे हम इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं मतलब दूसरा यह रहा स्पर्धा में संसाधनों का सीमित होना आवश्यक नहीं है यह भी पॉइंट दे रखा है फिर आपको यहां पर एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों गॉस का कंपेटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह रहा कंपेटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फिर यह कंपेटेटिव रिलीज जो है वो भी मैंने आपको बता दिया और फिर फाइनली ये रहा गॉस का कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और रिसोर्सिंग पर ये रहा संसाधन विभाजन या रिसोर्स पार्टीशनिंग ये सारा पॉइंट्स अभी हमने देखा है अरे अनिल जी बहुत-बहुत धन्यवाद गोदारा जी बहुत-बहुत धन्यवाद भाई देखिए भाई सबसे अच्छी चीज तो यही है कि आप अगर सही में आपको सीखने को मिल रहा है सही में आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर इस चैप्टर को को नहीं पढ़ाया जाता जाता इकोलॉजी लास्ट में बोल दिया है तैयार कर लीजिएगा बट याद रखिएगा इकोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है चार चैप्टर्स हैं दस से बारह सवाल हर साल नीट में आते हैं और आसान आते हैं अगर आपने इस चैप्टर को आसान कर लिया तो फिर यह चैप्टर गलत नहीं होगा ठीक है बच्चों तो ये सारे पॉइंट जो थे वो हमने देख लिए हैं फिर पैरासिटिज्म के लक्षण भी हमने देख लिए पर जीविता के पर जीविता में ये सारे के सारे उदाहरण भी हमने देख लिए हैं पैरासाइट्स के ये रहा सारे सारे ये आपके पास पैरासाइट या बाह्य परजीवी बाह्य परजीवी में लाइस ह्यूमंस में टिक्स ऑन डॉग्स और ये आपके पास कोपोड कसकटा ये सारे उदाहरण अपन ने देख लिए एक बच्चों कोयल और उसका याद रखना कौए वाला कौए और कोयल का फायदा याद रखना वो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है उसमें कोयल आपको पता है अपना अपना नेस्ट बनाती ही नहीं है घोंसला ही नहीं बनाती क्योंकि कोयला जो कोयल है वो अपने अंडे कौए के घोंसले में डाल देती है और कौए और कोयल के कंडे अंडे बिल्कुल एक जैसे होते हैं और बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो कौए को पता ही नहीं चलता कि वो अंडे किसके हैं उसको सेकता है और तैयार करता है तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म है कोयल और कौए के बीच में ब्रूड पैरासिटिज्म होता है ठीक है बच्चों तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला कल से फिर हम पारितंत्र या इकोसिस्टम वाला यूनिट चालू करने वाले हैं बच्चों इकोलॉजी के चारों चैप्टर महत्वपूर्ण है चारों आपका बढ़िया तरीके से मैं तैयार करवा दूंगा तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो हमने पढ़ ही लिया है भाई ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कल से हम चालू करेंगे पारितंत्र तो इसी तरह से बढ़िया आप पढ़ते रहिए सीखते रहिए बढ़िया तैयारी करते रहिए जितना ज्यादा हो सकेगा उतनी कक्षाएं हम ले लेके आपके टॉपिक्स का रिविजन बेहतर तरीके से तैयार करते रहेंगे और इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सही में अच्छा लगता है सही में आपको ये इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है इस लेक्चर से सीखने को मिल रहा है तो इतना कहूँगा ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताइए कि रिविज़न उनको शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि तैयारी कैसे चल रही है ठीक है बच्चों तो कल सवा चार बजे आपसे मुलाकात होगी इसी नए चैप्टर के साथ पारितंत्र के साथ बहुत बहुत धन्यवाद